हेलो मैं बचा पा रही, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छे रहना भी चाहिए। आज हम करने वाले हैं एटम चैप्टर, ठीक है। एटम आपका वैसे तो केमिस्ट्री का सिलेबस था, लेकिन ये क्लास 10 तक था, ठीक है। 11 से आपको समझ में आएगा कि आपको एटम फिजिक्स में भी पढ़ना होता है, ठीक है। बिकॉज एटम के बिना आप अपना फिजिक्स भी नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फिजिक्स का ये पार्ट है बेटा एटम। तो एटम क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी से अगर आप देखें तो बेटा ये चैप्टर 12 है आपका, ठीक है। तो एटम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके आगे जब आप ग्रेजुएशन करते हो तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा है, तो हम इसको कर लेते हैं फटाफट से कवर, ठीक है। अब एटम का मैं आपको बता दे पहले ही, मैं आपको दो वीडियो देने वाली हूँ। एक में आपके पूरे थ्योरेटिकल होंगे, दूसरे में आपके कुछ न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल्स और स्पेशली PYQs मिलेंगे आपको, जो इसके पहले एटम से, स्पेशली एटम के चैप्टर से पूछे गए थे बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, व्हाट इज एटम। अब अगर हम एटम के बारे में बात करें तो एटम क्या है बेटा, एक बेसिक मतलब एक, अगर हम एक घर की बात करें तो उसका जो स्पेशली एक ब्रिक हो सकता है ना, वो आपका एटम है। मतलब ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। क्या है बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक है। और ये इसको वैसे तो केमिस्ट्री, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है केमिस्ट्री, बट एक्चुअल में ये केमिस्ट्री नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में भी आपको एटम ही मिलता है, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी में भी जाओ बहुत ज़्यादा डीप 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 डीप, तब भी आपको पता चलेगा वहाँ पर भी आपको बेसिक जो आपको बिल्डिंग मिलेगी वो आपको इलेक्ट्रॉन्स की मिलेगी, ठीक है। बट वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की, तो आपको उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट चीज़ हम आपको बता दें एटम के बारे में, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट इन टू विच मैटर कैन बी डिवाइडेड। पहले ये माना जाता था कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट मतलब इससे ज़्यादा इसकी डिवीजन हो ही नहीं सकती है, जो कि एक्चुअल में रॉन्ग था, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा भी डिवीजन हुई थी, ठीक है। और वो क्या थी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स कि आपको ये सारी चीज़ें पता हो, बेसिक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक एटम्स नहीं टच किया तो आपका पूरा बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल तक PYQs तक मैं आपका पूरा साथ दूंगी, ठीक है। आपको भी साथ देना है और साथ साथ में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि एटम्स क्या था बेटा, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था, इससे ज़्यादा डिविजन नहीं हो सकता था, जो कि गलत था। आफ्टर सम एक्सपेरिमेंट्स कुछ बहुत ही अमेजिंग से साइंटिस्ट आए, जैसे कि जॉन डाल्टन, ठीक है। स्पेशली ये फर्स्ट थे, जॉन डाल्टन के पहले भी बहुत लोगों ने किया था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसलिए हम उसके बारे में पढ़ते नहीं है। तो जॉन डाल्टन क्या थे बेटा, फर्स्ट है जिन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से अपनी थ्योरीज को, अपनी पोस्टुलेशंस को सामने रखा था, ताकि एटम्स के बारे में हम लोग जान पाए, ठीक है। नेक्स्ट थे बेटा रदरफोर्ड, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया था। मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान है, कह सकते हैं योगदान था एटम्स के बारे में जानने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं एटम के स्ट्रक्चर को जानने के लिए, तो वो रदरफोर्ड का था। क्योंकि 80s के टाइम में जो सबसे अमेजिंग वो एक्सपेरिमेंट था, जो कि आपको गोल्ड फॉयल में आपको पढ़ाया भी गया होगा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, वो सबसे कमाल का एक्सपेरिमेंट था 90s के टाइम का, ठीक है। जे जे थॉम्पसन भी थे बेटा, जे जे थॉम्पसन भी आए थे, वो रदरफोर्ड से पहले आए थे, लेकिन जे जे थॉम्पसन का जो चीज़ें थी वो सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें बताए थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके किया था एक्सपेरिमेंट, बट उतना ज़्यादा उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि वो एटम स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट आते हैं नील्स बोर, इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने जो पोस्टुलेशन दिए थे, जो थ्योरीज दी थी, उसी को थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से बना करके उन्होंने रख दिया, और काफ़ी न्यूमेरिकल, सारी जो भी न्यूमेरिकल की चीजें आपको मिलती हैं वो सबसे ज्यादा बोहर का ही देन है, ठीक है। और स्पेशली न्यूक्लियस के बारे में बताना, उसके डिफरेंस के बारे में बताना कि कितने डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, ये सारी चीजों का जो जाता है क्रेडिट वो जाता है बोहर को, ठीक है। तो ये सारी आपको चीज़ें पता चल गई। कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा, एटम्स के एग्जांपल्स में आपको नियॉन मिल जाएगा, आर्गन मिल जाएगा, हाइड्रोजन, बहुत सारे हैं, मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम अपने चैप्टर से। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। चलो एनसीईआरटी में अगर आप देखें तो उनको डाल्टन्स लॉ को बहुत ज़्यादा इसमें आपको नहीं मिलेगा एक्सप्लेनेशन, थॉम्सन मॉडल से स्टार्ट किया गया है, क्योंकि हम यहाँ पर क्लास 10th की केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बेटा 12th की फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या है बेटा, जो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं वही ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो थॉम्सन मॉडल से स्टार्ट हुआ है। थॉम्सन मॉडल में क्या था बेटा, मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ, उसके बाद में हम स्टेटमेंट के साथ भी पढ़ लेंगे। मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ, थॉम्सन मॉडल का ये कहना था, थॉम्सन मॉडल का कहना नहीं था, थॉम्सन ने ये मॉडल दिया था कि वाटरमेलन जो होता है, वाटरमेलन
उसकी तरह एक एटम है, ठीक है, जिसमें जो रेड पार्ट्स हैं, जो रेड पार्ट्स हैं वो क्या है बेटा, प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और उसमें एम्बेडेड हैं क्या, वो जो सीड्स होते हैं उसमें एम्बेडेड हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स तब पता नहीं था उनको, न्यूट्रॉन्स उस वक्त हुआ नहीं था कि न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो इसलिए न्यूट्रॉन्स के बारे में उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशंस भी नहीं दिए थे। उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो रेड पार्ट्स हैं, जो ज़्यादा पार्ट्स हैं वो प्रोटॉन्स हैं, और जो एम्बेडेड हैं सीड्स की तरह वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी थी। अब उसको हम अच्छे से देखते हैं एक्चुअल में उन्होंने क्या थ्योरी दी थी। एन एटम इज जस्ट लाइक अ वाटरमेलन वेयर रेड पार्ट्स आर प्रोटॉन्स एंड सीड्स विच आर इरेगुलरली ऑब्वियसली मतलब रैंडमली अरेंज होते हैं, कोई उनका ऑर्बिट नहीं होता है, कोई शेल नहीं होता, ऐसा कुछ भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, जो कि गलत था। इनसाइड वाटरमेलन आर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड उसके बाद क्या था बेटा, An atom consists of a sphere of a positive charge with negatively charged electrons. ठीक है बेटा, अब ये पूरा sphere क्या है, positive charge का है, जिसमें electrons क्या है, embedded हैं, ठीक है। उसके बाद है, the positive and negative charges in an atom are equal in magnitude due to which an atom is electrically न्यूट्रल। ये बहुत कमाल की बात उन्होंने कही थी, जो कि अभी तक सही है और अभी आगे भी सही रहने वाली है, बिकॉज न्यूट्रल होता है एक एटम, अगर न्यूट्रल नहीं रहेगा तो आपस में ही लड़ भिड़ करके मर जाएगा, ठीक है। इसीलिए थॉमसन मॉडल को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, क्योंकि बाकी की चीज़ें तो ठीक थी उनकी, हाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो वो उसके बारे में तो काफ़ी लोगों ने पहले भी बता दिया था, बट ये चीज़ इसके पहले किसी ने एक्सप्लेन किया था कि एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब कि उसमें पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, इनका फेलियर मतलब कि थॉमसन मॉडल को क्यों फेल कर दिया गया, और अभी हम थॉमसन मॉडल को क्यों नहीं मानते कि ये सही था। तो आगे हम देखते हैं इनका फेलियर क्या था। इनका फेलियर बेटा ये था कि इन्होंने इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आ रहा है, अब लग रहा है कि हाँ ये कुछ ट्वेल्थ की चीज़ें, अभी तक तो टेंथ की चीज़ें पढ़ रहे थे। देखो इसमें क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बेटा स्पेक्ट्रल सीरीज होती है हाइड्रोजन की, ठीक है, वो मैं आपको अच्छे से बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज आपने पढ़ा होगा, जैसे प्रिज्म होता है ना, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। प्रिज्म होता है, जब आप लाइट पास करते हो तो एक स्पेक्ट्रम की तरह लाइट्स एकदम रेगुलर शेप में बाहर निकलती हैं, ठीक है, थीके? तो वही होता है बेटा स्पेक्ट्रल। तो वो क्या है, स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन का एक अलग स्पेक्ट्रल सीरीज होता है। उसको एक्सप्लेन करने में ये पॉसिबल नहीं था, मतलब थॉमसन मॉडल से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि हम एक्सप्लेन कर पाए से, तो इसलिए पहला इसका फेलियर हो गया। दूसरा फेलियर क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन इन गोल्ड फॉइल। ऑब्वियसली गोल्ड फॉइल है यहां पर, ठीक है, इसको गोल्ड फॉइल लिख लेते हैं। ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन इन गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब जब रदरफोर्ड का आया तो गोल्ड फॉइल में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, और एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, कुछ अल्फा पार्टिकल्स एकदम स्ट्रेट निकल गए थे, कुछ बेंड हो रहे थे, कुछ 1 डिग्री पे हो रहे थे, कुछ डायरेक्टली 180 डिग्री पर हो जा रहे थे, तो वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था थॉमसन मॉडल, इसीलिए इनको थॉमसन मॉडल क्या 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 हुआ, फेल हो गया, ठीक है। तो यही था फेलियर, और यही थे उनकी जितने भी थ्योरीज थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, रदरफोर्ड मॉडल पे। सो हमारा नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसे गेगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि रदरफोर्ड के सजेशन पे ही इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को किया था, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको बहुत सारे नाम से आप जान सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेशली इसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ बेटा, आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव मतलब जिसमें से आप रेडियो एक्टिव क्या कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स निकाल सकते थे, उसमें क्या था बेटा, बिस्मेथ को यूज़ किया गया था, जिसका एटमिक नंबर था 83। और आपको इतना मतलब इतना ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। एटमिक मास था उसका 214, ठीक है। गोल्ड इज मो, अच्छा गोल्ड ही क्यों लिया गया था भाई, रदरफोर्ड ने क्यों कहा कि आप गोल्ड ही लीजिए, आप दूसरा कोई एटम नहीं ले सकते हैं, क्यों, मतलब दूसरे किसी एटम का एलिमेंट नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि गोल्ड क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैलेबिलिटी होता है। मैलेबिलिटी क्या होता है बेटा, आपने टेंथ में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जो सबसे ज़्यादा पतले शीट में कन्वर्ट हो सके, ठीक है, जिसे मार मार कर हम एकदम पतला कर सकें कि वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तक हो सके, ठीक है।
तो उसमें क्या था बेटा, उसमें लगभग मतलब एकदम उसको पतला कर दिया गया था गोल्ड फॉयल को, ठीक है। सो इट कैन मेड दिस एट मतलब इतना कम आप देख सकते हो 2.1 × 10⁻¹⁷ मीटर का उसका थिकनेस था, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला बना दिया गया था गोल्ड को, ठीक है। मतलब इसका ऑलमोस्ट इतना होता है, इतना बनाया गया था नहीं बनाया गया था ये मेंशन नहीं है। एंड ऑल्सो इट्स एटम इज कंपेरेटिवली लार्ज, ठीक है। अब इसका एटम बेटा बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिसको पतला बनाया जा सकता है, बट मैलेबिलिटी बहुत सारे की अच्छी है, गोल्ड की ज़्यादा अच्छी वो बात अलग है। लेकिन इसमें दूसरा क्या खासियत है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। दूसरा क्या है इसमें बेटा, इसमें एटम्स नंबर जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि इसके एटमिक नंबर होता है 70 है, तो आप समझ सकते हो इसके एटमिक नंबर ज़्यादा होंगे तभी तो अच्छे से एक्सपेरिमेंट हो पाएगा, इसीलिए यहाँ पर गोल्ड को लिया गया था, ठीक है। जिंक सल्फाइड, ठीक है बेटा, जिंक सल्फाइड की अगर हम बात करें, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, अब जिंक सल्फाइड स्क्रीन यूज़ किया गया था, क्यों यूज़ किया गया था, ताकि अब जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आप नहीं कर रहे थे ऑब्वियसली, रदरफोर्ड और उनके जो स्टूडेंट्स थे वही कर रहे थे, तो वो कर रहे थे तो उनको कैसे पता चलता कि कौन सा 80 डिग्री पर जा रहा है, कौन सा 180 डिग्री पर जा रहा है, कौन सा 1 डिग्री पर इवेंट हो रहा है और कौन सा स्ट्रेट निकल जा रहा है, तो कैसे पता चल रहा था, तो सामने लगा था बेटा जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, ठीक है, जो शाइन कर रहा था जब अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा था, स्ट्राइक कर रहा था। किस पे स्ट्राइक कर रहा था? गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कर रहा था, ठीक है। ये सारी थ्योरीज आप अच्छे से अगर समझ जाओगे, न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो अल्फा पार्टिकल आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशन। हमने पता कर लिया कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, कौन किया, कैसे किया, ठीक है, क्यों किया, किस चीज़ पे किया, सबको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ बेटा, ऑब्जर्वेशन में हमें मिला ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट और डिफ्लेक्टेड विद इन 1 डिग्री। अब इसमें क्या मतलब है बेटा, मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ, बाकी आपको कंक्लूजन में ये चीज़ें अलग से बता दी जाएंगी, लेकिन वो क्या है बेटा, वो थ्योरीज हैं इसलिए उतना अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। मैं आपको बता देती हूँ, ऑलमोस्ट ऑल अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट और डिफ्लेक्टेड विद इन 1 डिग्री का मतलब है कि ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर जो एटम का स्पेस है, मतलब एटम के अंदर ऑब्वियसली गोल्ड फॉयल के अंदर क्या था, एटम से ही बना था, ठीक है, तो एटम के अंदर क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल से स्ट्रेट निकल जा रहा है, मतलब वो कुछ एक्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ रिएक्ट ही नहीं हो रहा है उस पर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मैं आपको बता दूँ ये पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है। और जहाँ तक बात है एटम में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज क्या है बेटा, वो क्या है, बराबर में ही डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मतलब कि आपके जो एटम्स में पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है वो एक मैग्नीट्यूड में है, ठीक है, उनका वैल्यू एक ही है। तो अगर ज़्यादा मतलब अगर उनका इलेक्ट्रॉन से होता तब भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता, अगर उनका प्रोटॉन से उनका मिलना होता या फिर उनका स्ट्राइक होता तब भी कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता, लेकिन हो क्या रहा था, वो स्ट्रेट निकल जा रहे थे। इससे रदरफोर्ड ने पता लगाया कि जो एटम के अंदर स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक पर्टिकुलर जगह पर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, ओनली 0.14 मतलब आप समझ सकते हो 1% भी नहीं, 0.14% क्या था बेटा, 1 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ था, ठीक है। अब इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि वहाँ पर क्या है, कुछ है जो उसको इधर से मतलब अपने उसके एरिया से दूसरी जगह डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब अगर आप बॉल फेंक रहे हो आपका अगर फ्री स्पेस है तो आपका काफ़ी दूर तक जाएगा, लेकिन अगर आपका कुछ वॉल आ गया, कोई चीज़ आ गया, लड़ जाएगा तो क्या होगा बेटा, वो पीछे की तरफ बाउंस बैक होगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, 1 डिग्री से ज़्यादा जाने का मतलब था कि वहाँ पर कुछ तो था, ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं था कि वो चीज़ क्या थी, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट, नियरली 1 in 8000 मतलब समझ लो 8000 में 100 का भी मतलब बहुत ज़्यादा कम, ठीक है, नियरली 1 in 8000 रिफ्लेक्टेड मोर देन और इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था, जो उसे नहीं जाने दे रहा था स्ट्रेट, ठीक है। ओकेजनली एनी पार्टिकल रिटर्न बैक बाय 180 डिग्री। अब जो 180 डिग्री का था इसका मतलब क्या था बेटा, इसका मतलब था कि वो प्रोटॉन से मिला है, मतलब कि अगर प्रोटॉन से मिलेगा तो प्रोटॉन क्या करेंगे, मतलब प्लस प्लस चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपल्स करता है, तो रिपल्स करेगा तो क्या करेगा, वो तुरंत ही बाउंस बैक हो जाएगा, दूर से ही बाउंस बैक हो जाएगा, तो वो केस था, इसका मतलब ये था कि वो क्या है बेटा, प्रोटॉन्स हैं, मतलब वहाँ पर प्रोटॉन्स थे, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है। और ये तो बात थॉम्सन ने बता दी थी कि प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने नाम पहले ही दे दिया था, ठीक है। चलो,
ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब हम ऑब्जर्वेशन तो देख ली, अब हम देखते हैं कॉन्क्लूजन क्या निकला इससे। चलो देखते हैं। एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, अब मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर देख लेते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब जैसे कि बेटा जितने भी डिफ्लेक्शन हो रहे थे, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन हो रहे थे तो वो क्यों हो रहे थे? या तो वो किसी चीज़ से, अब जो कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इतने हल्के नहीं थे, ठीक है, उनका भी काफ़ी अच्छा खासा मास था, ठीक है। अगर वो किसी चीज़ के वजह से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सामने वाली चीज़ है वो ज़्यादा भारी है। अब मैं आपको एग्जांपल की तरह अगर मैं बताऊं, जैसे कि मान लो आप एक बड़ा सा बॉल लियो, फुटबॉल लियो, ठीक है, सामने आपका क्या है, एक कुछ पतला सा पेपर है, ठीक है, पेपर है या फिर कॉपी है, उसको आपने स्ट्रेट रख दिया है। अगर आप फुटबॉल मारोगे तो वो कॉपी क्या करेगी? आप मारोगे तो कॉपी गिर जाएगी और वो क्या होगा, फुटबॉल स्ट्रेट निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने फुटबॉल है और आपको मारना है दीवार पे, तो दीवार क्या है, फुटबॉल से बहुत ज़्यादा भारी है, दीवार क्या है, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो तो गिरने वाला नहीं है, तो क्या करेगा, वो बॉल को बाउंस बैक कर देगा या उसका इधर उधर कर देगा, मतलब उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। तो यही केस बना कि आपका जो अल्फा पार्टिकल है स्ट्राइक कर रहा था और वो स्ट्राइक करने के बाद किसी एंगल को बना रहा था 1 डिग्री से ज़्यादा, तो क्या इसका मतलब है कि सामने वाली चीज़ ज़्यादा भारी है? इलेक्ट्रॉन्स तो इतने भारी होते नहीं है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन से उसको कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर उससे ज़्यादा भारी है तो मतलब या तो वो प्रोटॉन है या तो वो कुछ और है, ठीक है। तो वो कुछ और क्या था, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपका, इतना समझ में आ गया, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हुज टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बात थॉमसन ने भी बताई थी, ठीक है, तो ये बात मैच की थी थॉमसन से, इसीलिए थॉमसन मॉडल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पेशली फॉर दिस पोस्टुलेट, इसीलिए क्या किया जाता है, थॉमसन मॉडल को भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी बहुत बड़ा योगदान था इसमें। अगर उन्होंने ये नहीं बताया होता तो काफ़ी मसला हो जाता, हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में अभी भी फंसे रह जाते, ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड का। अब कुछ उनके भी लिमिटेशंस थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी परफेक्ट दे दिया था, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में वो अनेबल थे, ठीक है। अब देखते हैं कि उनका क्या लिमिटेशन था। अब रदरफोर्ड ने क्या क्या स्पेशली उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्या बताई, ये उनके कॉन्क्लूजन देखे हमने, ऑब्जर्वेशन देख लिया, अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या थ्योरी बताई। उन्होंने कहा एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड मैसिव कोर इन विच इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, दिस कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही सारा जो मास होता है वही होता है एटमिक का मास, ठीक है। एटम का मास क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ही डिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना हल्का होता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एटम को। तो क्या है कि जो मास की वजह से वही जो स्कैटरिंग हो रही थी, तो क्या था बेटा वहाँ पर ज़्यादा मास का चीज़ था, मतलब क्या था, वो एक मैसिव कोर था जिसको हम न्यूक्लियस का नाम दिए, ठीक है, हम नहीं दिए, ऑब्वियसली उन्होंने ही दिया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10^-15 एंड साइज ऑफ एटम इज 10^-10। इन्होंने कैलकुलेट किया, निकाला, ठीक है, और पता क्या चला कि न्यूक्लियस का जो वो जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10^-15 है, वहीं जो एटम है 10^-10 है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस कवर किया है न्यूक्लियस ने, ऑब्वियसली करता क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का तो मास मतलब जितना भी था वो सारा न्यूक्लियस के अंदर ही था, तो करना था, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट देयर नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस सो द होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या कह रहा है, न्यूक्लियस क्या है, सराउंडेड है किससे, इलेक्ट्रॉन से, पता है आपको, सो दैट देयर नेगेटिव चार्ज क्या है बेटा, उनका जो नेगेटिव चार्ज है मतलब एक एटम का जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, इक्वल है टोटल पॉजिटिव चार्ज के, तभी तो जाकर के इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल हो पाएगा। तो ये बात तो थॉमसन ने पहले ही बता दी थी, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था लेकिन इसमें थॉमसन का हाथ था, ठीक है, ऑब्वियसली उन्होंने भी बताया ये बात
लेकिन इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये कैसे सच है। उन्होंने तो बस कह दिया था कि हाँ क्योंकि क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इसीलिए पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन मतलब जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर सेम होगा, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में एक्सप्लेन किया कि ये कैसे। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक अ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, अब इसके बारे में आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपने आपको भी पसंद है तारों के बारे में प्लैनेट्स के बारे में जानना, ठीक है, तो अगर यू नो लाइक यू आर इंटरेस्टेड तो उसमें क्या मैं आपको बता दूँ, इसका जो सन का जो एग्जांपल है वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि सन क्या करता है वो खुद ही रिवॉल्व करता है, और वो खुद रिवॉल्व करता है तो जो सन का रिवॉल्वेशन होता है जो उसके अराउंड वो घूमते हैं प्लैनेट्स वो इस तरह से नहीं घूमते जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप इसको सही मत मानना। ठीक है, आप ये लास्ट वाला छोड़ दो, लेकिन ये कहा था रदरफोर्ड ने इसलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, बिकॉज वी नो अबाउट दैट कि हम सन को जब देखते हैं और प्लैनेट्स को जब राउंड करते हुए देखते हैं तो वो एक्चुअल नहीं होता है, 3D हमें नहीं पता है। ठीक है, 3D हम नहीं देखते, हम 2D शेप में उसको देखते हैं। 3D में क्या करता है, वो सन भी चलता रहता है और साथ साथ में प्लैनेट्स भी चलते रहते हैं। ठीक है, कोई नहीं, चलो नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन देख लिया, कॉन्क्लूजन देख लिया, उनके पोस्टुलेशंस भी देख लिए, अब हम देखते हैं उनके लिमिटेशंस क्या थी जिसकी वजह से रदरफोर्ड को भी काफ़ी फेलियर्स को फेस करना पड़ा था। ठीक है, तो फर्स्ट उनका जो फेलियर का जो रीज़न था वो था कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, मतलब कि एक उसकी रिलेटिव एनर्जी क्या है, उसका एक्चुअल पोजिशन क्या है, वो सारी चीज़ें नहीं बता पाया था उनका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, इट सेज नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में तो बताया लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, जिसके वजह से भी इनको भी फेलियर का सामना करना पड़ा। ड्यूअल कैरेक्टर ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, लाइट वगैरह में पढ़ा होगा आपने, तो क्या है बेटा, लाइट को पहले कहा गया था कि नहीं ये तो सिर्फ वेव में चलती है, नहीं तो ये सारी चीज़ें क्या थी, वो ड्यूअल कैरेक्टर को नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। ठीक है, तो इसलिए इनका फेलियर इनको फेस करना पड़ा था। ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुड नॉट एक्सप्लेन बाय दिस एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है बेटा, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वहीं पर है जो स्पेक्ट्रल एमिशन वाली थी। अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, ये क्या होती है, स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन कुड नॉट बी एक्सप्लेन, ठीक है, बाय दिस एक्सपेरिमेंट, मतलब काफ़ी चीज़ों का फेलियर मतलब इनको भी मिला था। ठीक है, तो सारी इनकी तारीफ नहीं करेंगे, कुछ गलतियाँ इनकी भी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आते हैं हम अपने बॉस पर, जो एक्चुअल हीरो थे, जिन्होंने एक्चुअल में सच में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, भाई हम पूरी तरीके से बता देते हैं एटम का, आज मामला ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो उनका जो बोर का था वो हम अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या था बेटा, एक्सेप्टिंग मतलब उन्होंने क्या किया, जब रदरफोर्ड का मॉडल देखा तो उनको काफ़ी हद तक ये सही लगा और उसके आगे उनका दिमाग काम किया और उन्होंने क्या किया, देखते हैं, एक्सेप्टिंग द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल बोहर प्रपोज्ड एन एटॉमिक मॉडल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम। जो हमने देखा था थॉमसन मॉडल ने भी नहीं किया था और रदरफोर्ड ने भी नहीं किया था। अब क्या है बेटा, स्पेक्ट्रा एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम के जो थ्रू स्पेक्ट्रा एमिशन, स्पेक्ट्रा बेटा क्या होती है, एक ब्लैक आपको एक लाइन मिलेगी, ब्लैक लाइन नहीं कहूँगी, एक ब्लैक स्ट्रिप जैसी रहती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एमिशन होता है, एमिशन किसका होता है बेटा, हाइड्रोजन एटम का होता है। उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है बोहर को। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, इन्होंने कैसे अपना क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया था वो देख लेते हैं। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, फॉर दिस मोशन सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यही चीज़ यहाँ पर मैंने आपको जहाँ बताया था, रदरफोर्ड ने यहाँ पर अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक जो एक्चुअली स्ट्रक्चर था एटम का वो कैसे सुटेबल है, कैसे किस तरीके से ये काम कर रहा है, उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। बट अब जा कर के, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात थी, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और वो अट्रैक्शन क्या करता है, एक दूसरे को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, तो उससे क्या होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स का जो सेंट्रिपिटल फोर्स मिलता है उनको, और सेंट्रिपिटल फोर्स से क्या होता है बेटा, वो रिवॉल्व करता है, कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का क्रेडिट जाता है बोहर को। ठीक है,
अब बेटा देखते हैं क्वांटम कंडीशन. क्वांटम कंडीशन क्या था? एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट्स हुज एंगुलर मोमेंटम इज एल इज इक्वल टू एन एच बाई टू. ठीक है, अब क्या है, अब जैसे कि जब वो रदरफोर्ड ने बोला कि हाँ इसके अराउंड घूमता है, ठीक है, अब अगर इसके अराउंड सपोज कर लो घूम रहा है, ठीक है, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे कि उन्होंने कहा ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पर है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है. अब ये राउंड कर रहा है 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 कर रहा है, एट द एंड क्या करेगा, ये न्यूक्लियस पे एंड कर जाएगा और पूरा एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा. मतलब ये क्या हो जाएगा, ये रिवॉल्व नहीं कर रहा है, ये स्पाइरली रिवॉल्व कर रहा है. स्पाइरली मतलब समझते हो ना, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक मतलब स्पाइरल फॉर्म कर रहा है वो. तो वो क्या कर रहा है, एक टाइम में पूरा एटम डिस्ट्रॉय कर देगा. तो क्या हो जाएगा, ये एटम पूरा ख़त्म हो जाएगा. तो फिर क्या होगा, ऐसे तो पूरा मतलब जो भी आपका मेटल है, जो भी पार्टिकल है, वो बेकार हो जाएगा. ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है. तो फिर उन्होंने बताया, किसने बताया, बोहर ने बताया कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं रैंडमली कहीं पर भी घूम रहे या फिर कहीं पर भी रिवॉल्व कर रहे, इनका पर्टिकुलरली एक ऑर्बिट है, ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट है, जिसमें क्या है बेटा, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी है. एंगुलर मोमेंटम मैंने कहा था, पहले बताया था कि बोहर का ही क्रेडिट था जो यहाँ पर, क्योंकि अब फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल तो पढ़ना ही पड़ेगा, परेशान नहीं हो, ठीक है. तो क्या है बेटा, यहाँ पर आते हैं ऑर्बिट के बारे में. तो ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए एल इज इक्वल टू एन एच बाई टू बाई. ठीक है, अब क्या है बेटा, एल मतलब अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, ठीक है, और यहाँ पर एन क्या है बेटा, ऑर्बिट का नंबर है, ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3, और आपका एच क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है. तो उसके बाद आपको इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, वो आपको न्यूमेरिकल में बताया जाएगा, ठीक है. अब चलो, मैंने अभी स्टेशनरी ऑर्बिट का भी तुरंत ही मैंने जिक्र किया, स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है. फिलहाल आज हम सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, थ्योरीज पे काम करेंगे, न्यूमेरिकल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. सो अब आ गए हम स्टेशनरी ऑर्बिट पे. अब स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, वाइल रिवॉल्विंग इन परमिजिबल ऑर्बिट्स. परमिजिबल ऑर्बिट्स क्या होता है, मतलब परमिशन लेके वो घूम रहा है, ऐसे नहीं घूम रहा है रैंडमली नहीं घूम रहा है, एक परमिशन लिया है. परमिशन लिया किससे लिया भाई, फार्मूला से परमिशन मिलता है उसको, ठीक है. तो वाइल रिवॉल्विंग इन परमिजिबल ऑर्बिट्स एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है. अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑब्वियसली एनर्जी रेडिएट करते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेंगे तो ऐसे 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 करके तो क्या होगा, एक टाइम उनका एनर्जी खत्म हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा. तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब एक फॉर्मूला के हिसाब से काम होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एक पूरे मैनेजमेंट के हिसाब से जब काम चलता है, तो क्या होता है उसमें, जैसे कि मान लो अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, आपको बिल्डिंग बनानी है, आपने क्या किया, एक लेबर को रख लिया, ठीक है, उसको बोला कि तुझे 2 दिन में 3 दिन में आपको पूरी बिल्डिंग आपको तैयार करके रखनी, जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे 3 दिन में करना है. और क्या है, मतलब इंसानी काम करते हैं बिल्डिंग पर, इंसानी काम करते हैं, लेकिन क्या है, एक मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं कि हाँ पहले ये होगा फिर ये होगा, पहले बेस बनेगा फिर उसके ऊपर से फिर बहुत सारे पिलर्स बनेंगे, उसके ऊपर से फिर क्या होगा, मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, ठीक है. एग्जैक्टली यहाँ पर भी क्या है बेटा, मैनेजमेंट से काम करना होता है, ठीक है. मैनेजमेंट से काम करना होता है, तो आप भी अपने लाइफ में मैनेजमेंट से काम करते रहेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी काम करने में, ठीक है. क्या होगा, सुबह उठोगे फिर जल्दी जल्दी अरे ये करना वो करना, ऐसे हौच पौच हो जाएगा. तो क्या करना होता है, मैनेजमेंट से काम करोगे तो क्या होगा, सारी चीज़ें सही होती हैं. तो यहाँ पर भी यही बताया गया है, ठीक है. एटम्स क्या करते हैं, मतलब एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फॉर्मूला के हिसाब से काम करते हैं, मतलब वाइल रिवॉल्विंग इन परमिजिबल ऑर्बिट, मतलब वो परमिशन के ऑर्बिट, मतलब जो उनको फॉर्मूला बोलता है कि हाँ तो इतने एरिया में इतने इस ऑर्बिट में घूम सकता है, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, ठीक है. दीज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट. अब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं उसी को हम क्या करते हैं, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट कहते हैं, और उसी नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. ये आपका स्टेशनरी ऑर्बिट था. अभी एक और चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ठीक है. फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होता है बेटा, देखो अब जैसे कि मैं आपको बता दूँ, एन एटम रेडिएट्स एनर्जी. अब क्या है, अब एटम रेडिएट तो करता है एनर्जी, ये बात तो सच है, लेकिन कब करता है, ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी. अब क्या है बेटा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एटम रेडिएट करता है एनर्जी कब करता है, जैसे कि
इलेक्ट्रॉन मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर क्या है यहाँ पर आपका ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट है, ठीक है, यहाँ पर भी एक ऑर्बिट है। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ जम करेगा और यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व करने लगेगा तो क्या है, यहाँ पर रिवॉल्व करने के लिए उसको क्या थी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, मतलब यहाँ पर इसकी एनर्जी थी E2, ठीक है। और जब ये वाले इस वाले सेकेंड वाले ऑर्बिट में आ गया तो यहाँ पर इसकी एनर्जी हो गई, आपको दिख नहीं रहा होगा, ओके आई होप अब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका था बेटा एनर्जी थी E2, यहाँ पर क्या हुआ E1 हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पर एनर्जी कम लग रही और यहाँ पर E2 ज़्यादा एनर्जी लग रही है। अब क्या होगा, अब यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि एन एटम रेडिएट्स एनर्जी ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी टू अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पर आपको मिला एक न्यूक्लियस, यहाँ पर आपको मिला एक ऑर्बिट, यहाँ पर मिला आपको एक और ऑर्बिट, ठीक है। अब आपके इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, फिर वो क्या किया, उसका मन क्या, अरे जाने दो यार ये बहुत लंबा है, ये छोटा वाला है इसमें चला जाता हूँ, ठीक है। उसका मूड खराब हो गया, उसको लगा नहीं इधर नहीं रहना मेरे को, अब मेरे को इसमें जाना है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या, तो क्या हुआ बेटा, अब ये वाला जो था इसमें जब वो अपने आप को रिवॉल्व करा रहा था तो वो क्या था, इसमें एनर्जी ज़्यादा लग रही थी, इसको हम ले लेते हैं E2, ठीक है, इस एनर्जी को ले लेते हैं E2। यहाँ पर जब आया तो इसकी एनर्जी क्या लगेगी, क्योंकि अब ये छोटा ऑर्बिट है तो इसमें एनर्जी कम लग रही है, इसको हो गया E1, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, अब जब इसकी एनर्जी, जैसे कि आपको आपने बहुत सारा खाना खाया, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ, आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया, काफ़ी प्रोटीन वाला खाना था, विटामिंस भी थे, अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट भी था। अब क्या किया आपने, उस खाने के बाद आपने प्रॉपरली अपने आप को काम कराया, एक्सरसाइज कराया, बहुत सारा काम किया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वो विटामिंस, वो कार्बोहाइड्रेट्स और वो प्रोटीन्स जो भी आपने मिनरल्स लिए थे वो सारे क्या हो गए बेटा, आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो गए, ठीक है। लेकिन अभी आपने बहुत सारा खाना खा लिया, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी था, विटामिंस भी थे, प्रोटीन्स भी थे, बट आप क्या किए, आप सो गए, बोले आप काम नहीं करते, आप सो जाते हैं, तो क्या हुआ बेटा, वो सारी एनर्जी तो बच गई ना, अब वो एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी आपको एसिड बनाएगी, वो एनर्जी आपको प्रॉब्लम्स देगी, तो क्या है वो एनर्जी अब अच्छे तो अच्छे के लिए तो रही नहीं, तो क्या करेंगे आप उस एनर्जी को फेंकने की कोशिश करेंगे ना, तो जस्ट लाइक दैट अब इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, बच गई, देखो E2 - E1, ठीक है, E2 - E1 ये हो गए बेटा एनर्जी, अब यही हो जाएगी आपकी रेडिएशन, मतलब जो एनर्जी रेडिएट हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था बेटा फ्रीक्वेंसी कंडीशन, मतलब कि क्यों एनर्जी रेडिएट होगी, तो इसी वजह से रेडिएट होगी, अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा तो एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। चलो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, बातें हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सो अभी तक हमने बात किया बहुत जगह स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रा की, मैंने कहा भी था कि मैं आपको लेटर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो अभी एक्सप्लेनेशन का टाइम आ गया, एक्सप्लेन कर लें, समझ लेते हैं। चलो वॉट इज एटम स्पेक्ट्रम, ठीक है, आपने स्पेक्ट्रम के बारे में आपने पढ़ा होगा 10th में, एक प्रिज्म होता था, उसमें हम क्या करते थे, वाइट लाइट पास कराते थे, उसमें विबग्योर बनता था, उसमें बहुत सारी रेनबो वाली लाइट्स आती थी, ठीक है, एक पैटर्न्स में लाइट चलती थी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी उसकी होती थी, तो वो सारी चीज़ें क्या थी, वो स्पेक्ट्रम थी, ठीक है। तो वही वाला प्रोसेस यहाँ पर भी है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये तो केमिस्ट्री था, फिर फिजिक्स आ रहा है, फिर केमिस्ट्री आ रहा है, तो क्या है बेटा, यहाँ पर सब कॉम्बो है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हेन एन एटॉमिक गैस इज एक्साइटेड यूजुअली बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है, इट शोज अ बैंड ऑफ सम डेफिनेट वेवलेंथ ऑन अ स्क्रीन, दीज बैंड्स आर कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। समझ में तो कुछ आया नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं वो समझा देती हूँ। व्हेन एन एटॉमिक गैस, अब एटॉमिक गैस आपको पता ही होगा, ठीक है, मतलब कोई एटम है उसका एक गैस होता है, ठीक है, तो एटॉमिक गैस क्या हो रहा है, एक्साइट हो रहा है, क्या कर रहा है, एक्साइट हो रहा है, क्यों एक्साइट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से जो एटॉमिक गैस हो वो एक्साइट हो गया। अब क्या कर रहा है, वो एक बैंड शो करता है, बैंड इन द सेंस क्या है कि एक स्ट्रिप की तरह होता है, ठीक है, और उसका जो वेवलेंथ होता है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के हिसाब से होता है, ठीक है। दीज बैंड्स और उसी बैंड्स को, ठीक है, उसी बैंड्स को क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्या ये कह रहे हैं, ईच गैस हैज़ अ यूनिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें वैसे तो सब ऊपर ऊपर से गई होंगी, तो मैं आपको बता दूँ, बहुत ही स्पेशली मैं आपको स्पेशली एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आपका कुछ नाम होगा, मान लो आपका नाम हो गया रोहिणी, आपका नाम हो गया मोहित, आपका नाम हो गया, ठीक है, तो नाम आपका रोहिणी मोहित है,
आपका ही नाम नहीं रोहिणी मोहित है, बहुत सारे लोग का होगा, बहुत सारे लड़के होंगे जिनका नाम मोहित होगा, बहुत सारी लड़कियां होंगी जिनका नाम रोहिणी होगा, ठीक है। लेकिन 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 एक पर्टिकुलर चीज़ होती है जो आप में यूनिक होती है, जो किसी और में नहीं हो सकती, वो होता है आपका फिंगरप्रिंट, ठीक है। अगर फिंगरप्रिंट की बात करें तो वो सिर्फ आपकी ही होगी, मतलब अगर आप अपने फिंगरप्रिंट को कहीं पर भी स्कैन कराओगे तो वो किसी और के साथ मैच नहीं कर सकती है, ठीक है, वो आपका यूनिक है। एग्जैक्टली वैसे ही होता है। अब क्या है, एटॉमिक गैस क्या है, उनकी वेवलेंथ क्या होती हैं, उनकी वेवलेंथ उनका एक यूनिक वेवलेंथ ये देती हैं, ठीक है, एक यूनिक स्पेक्ट्रा देती हैं, ठीक है। तो क्या होता है उससे, मतलब वो एटॉमिक गैस के एक पर्टिकुलर ही होती हैं, मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे गैसेस हैं उनके पास भी स्पेक्ट्रम होगी, लेकिन हर एक गैस की अपनी एक यूनिक स्पेक्ट्रम होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, देखो यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ, इट एक्ट्स एज अ फिंगरप्रिंट्स ऑफ दैट गैस। जैसे कि हम लोग इंसान क्या होते हैं, हम लोग को पहचान होते हैं फिंगरप्रिंट्स, कई लोग का साइन भी मैच हो सकता है लेकिन फिंगरप्रिंट्स कभी मैच नहीं हो सकती हैं। ऑफ दैट गैस इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं, चलो देखते हैं, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम में आ जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इसमें आपको मैं पहले एक ओवरव्यू दे दूँ, एमिशन मतलब होता है निकलना, एमिट, ठीक है, एमिट करना। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है उसका जस्ट ऑपोजिट, एब्जॉर्ब करना, मतलब किसी चीज़ को अंदर अपने दम दबा लेना, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दी ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। चलो आगे आ जाते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में, मैं आपको पहले बताई थी इसके बारे में, हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो अभी आपके बाद आपको बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा आपको इसको समझने में, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी मैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, अब स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क लाइंस कंस्टिट्यूटिंग द स्पेक्ट्रम। अब जैसे कि एमिशन हो रहा है, ठीक है, एमिट हो रही है लाइट, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ा, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइट हुआ तो वो क्या हुआ, एमिट किया लाइट, उसमें क्या हुआ आपको डार्क दिखा, फिर आपको क्या हुआ हल्का सा बीच में एक गैप दिख गया, ठीक है, फिर आपको डार्क दिखा, फिर ऐसे क्या हो रहा है बेटा, एक सीरीज़ बन रही है, एक सीरीज़ बन रही है, ठीक है। उसका मैं आपको एक जिफ भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, आपको एक बार इस जिफ को भी देख लेना, ठीक है। इसमें आपको दिख पा रहा होगा कि कैसे आप ये ब्लैक स्ट्रिप्स हैं और उसमें लाइट एमिट हो रही है, मतलब वो बीच बीच में एक ब्रेक सा बन रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली वही होता है स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है, यही इसी बैंड की मैं बात कर रही थी। चलो समझ में आ गया, देख लिया, चलो आ जाओ नेक्स्ट है बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मैंने आपको पहले कहा था भाई स्पेक्ट्रा के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, मतलब पढ़ाऊंगी। तो चलो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, अब ये क्या चीज़ है, ये होता है भाई स्टडी ऑफ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मतलब एमिशन मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, एब्जॉर्प्शन मतलब आपको पता ही था। अब इसकी एक पर्टिकुलर स्टडी होती है, मतलब समझ रहे हो, स्टडी ऑफ फिजिक्स ही नहीं होता है, ठीक है, स्टडी ऑफ बायोलॉजी और स्टडी ऑफ केमिस्ट्री नहीं, बल्कि एक टॉपिक की भी स्टडी होती है और उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। इवन मैं आपको बता दूँ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे कई एलिमेंट्स फाउंड किए गए थे स्पेशली इसी स्पेक्ट्रम से, क्योंकि इनके कुछ यूनिक फिंगरप्रिंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया इनके कुछ यूनिक स्पेक्ट्रम होते हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वैसे इनके कुछ यूनिक स्पेक्ट्रम होते हैं, तो उससे कई ऐसे एलिमेंट्स हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है इसलिए मैंने आपको गलत सलत नाम नहीं बताना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, कई 4-5 एलिमेंट्स शायद, उसमें गैलियम भी आता है, तो वो सारे क्या थे बेटा, वो सारे इन्हीं स्पेक्ट्रम से ही फाउंड किए गए हैं, ठीक है। चलो तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम, अब इसके जो हमने टाइप्स पढ़े थे कॉन्टीन्यूअस है, उसके बाद हम क्वांटाइज्ड भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो चलो उसके आगे हम पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की, जिसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या है बेटा, द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रिक्वेंसीज, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड ड्यू टू एन एटम ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ हाई एनर्जी स्टेट टू अ लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम, एक बार और मैं आपको एक बार लाइन पढ़ के बता दे रही हूँ ताकि आप भी इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड ड्यू टू एन एटम ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ हाई एनर्जी स्टेट टू अ लोअर एनर्जी स्टेट। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो एक एटम बना करके उसमें क्या थे, उसमें न्यूक्लियस थे, फिर उसमें ऑर्बिट्स थे, ठीक है, एक हाई लेवल का ऑर्बिट था, एक लो लेवल का ऑर्बिट था, ठीक है,
जब वो हाई लेवल से लो लेवल में आया तो उसमें क्या हुआ, कुछ एनर्जीज बच गई। वो क्या की, अब वही एनर्जीज क्या होती हैं, वो एक्स्ट्रा एनर्जीज हैं, वही उनको एक्साइट करती हैं, और उससे क्या होता है बेटा, एमिशन होता है। ठीक है, तो वही होते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, मतलब हाई एनर्जी स्टेट से जब लो एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन होता है, किसका होता है, एटम का होता है। ठीक है, तो वही जो फ्रीक्वेंसीज बनती हैं उसे ही हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, इसका जस्ट ऑपोजिट कह सकते हैं। द स्पेक्ट्रम इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, द स्पेक्ट्रम इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड विद द डार्क बैंड्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट टू रीच हायर स्टेट्स। ठीक है, जैसे कि क्या है बेटा, ग्राउंड स्टेट से जब हायर स्टेट्स में जाता है तो उसमें क्या होता है, डार्क बैंड्स बनते हैं, और उसमें क्या होता है, कई सारे फ्रीक्वेंसीज आपको दिखेंगे, कई सारे आपको वेवलेंथ दिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं बेटा, वो आ जाती हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करें, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कॉन्टीन्यूअस है, मतलब इसमें कोई ब्रेक नहीं है बाकियों की तरह। अ स्पेक्ट्रम हैविंग नो अपेरेंट ब्रेक्स और गैप्स थ्रू आउट इट्स वेवलेंथ रेंज। ठीक है, पूरे वेवलेंथ रेंज में कहीं आपको गैपिंग नहीं मिलेगी, कंटिन्यूअस है। अब इसको आप कैसे समझ सकते हो, आपको एक स्लोप मिलता है, स्लोप मतलब जानते हो, जहाँ पर आपको साइकिल एकदम आपकी फटाक से रन हो जाती है। ठीक है, तो वो स्लोप क्या होता है, वहाँ पर आपको क्या मिलता है, कंटिन्यूअस मिलता है। वहीं अगर आप स्टेयर की बात करो, वहाँ पर क्या होता है, वो ब्रेक ले लेकर के 1 2 3 4 करना पड़ता है, वो स्टेप्स आपको चढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्लोप की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, आप सू 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 आराम से निकल जाते हो। ठीक है, अपना साइकिल लेकर के या बाइक लेकर के या फिर पैदल भी, ठीक है, आपको काउंट्स नहीं करने पड़ते हैं स्टेप्स को, या फिर जो स्टेप्स होते हैं वो ब्रेक नहीं होते हैं, वो चलते जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यू रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्वांटाइज्ड की, तो क्वांटाइज्ड तो भाई आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन, तो क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहाँ पर स्पेक्ट्रम हैविंग डिस्क्रीट और स्पेसिफिक सेपरेशन इन इट्स वेवलेंथ रेंज। अभी देखो स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें होती हैं समझ में नहीं आती, या फिर हो सकता है एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में ना आ रही हो, स्टार्टिंग में घबराना नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, धीरे धीरे जब आप पढ़ते हो तो लगता है अच्छा इससे पहले जो मैंने पढ़ा था वो अब मुझे समझ में आया, तो आपको आगे के टॉपिक में भी पीछे के टॉपिक समझ में आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे करते जाते हो ना, पीछे की चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती हैं, तो घबराना नहीं है, अपने आप धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, मानते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट होगा भी, फिज़िक्स है, एटम समझ करके क्या समझा था कि केमिस्ट्री हो जाएगी, आसान हो जाएगा, नहीं, फिज़िक्स है। चलो तो आगे हम देखते हैं। ठीक है, क्वांटाइज्ड स्पेक्ट्रम तो हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं हम। सो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा जितने भी थ्योरीज थी, जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, उसको हमने कर लिया अच्छे से क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी बेटा टॉपिक्स हैं वो सारे हैं आपके न्यूमेरिकल्स पर, और न्यूमेरिकल्स को मैं इस तरह से वीडियो में नहीं बना सकती हूँ, मैं उसको अलग तरीके से बनाऊंगी और पूरा एक्सप्लेन करूंगी अपने हाथ से। ठीक है, ताकि क्योंकि न्यूमेरिकल्स उनके साथ मजाक नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वरना वो हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत बढ़िया वाला मजाक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम कुछ थ्योरीज वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, और ये सारे जितने भी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सारे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिए, और साथ साथ में अगर एक्सप्लेन नहीं किए तो आप देख लो कि एक्स्ट्रा क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि बोर्ड ये नहीं करता है कि आपकी NCERT में जितनी चीज़ें उसने बताई हैं एग्जैक्टली वही चीज़ें वो कर देगा, आपके कुछ 10th और 11th से भी पूछ सकता है। ठीक है, वो बेसिक होगा और उसकी गलती भी नहीं होगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी कहीं ना कहीं NCERT में मेंशन कर दिया, उसको आपने पढ़ा दिया है। ठीक है, आपने पढ़ लिया उसको, और CBSE ने आपको पहले से ही पढ़ा दिया। ठीक है, तो चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, वैसे तो फिजिक्स में आपके थ्योरीज वाले क्वेश्चंस आना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होते हैं, अदरवाइज ये डेरिवेशंस देते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देते हैं। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, अगर कुछ थ्योरीज इसमें आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। थ्योरीज में आपको क्या होता है बेटा, ये स्कोरिंग होती है, तो आप थ्योरीज को पहले अच्छे से पकड़ लो, उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल्स कर लेना। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, डिफाइन आयनाइजेशन। आयनाइजेशन आपका क्या था बेटा, आपने 10th से पढ़ा है, ठीक है, कई लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। आयनाइजेशन क्या होता है, आयनाइजेशन एक टाइप की हम कह सकते हैं एनर्जी होती है। किस चीज़ की एनर्जी होती है, पहली बात तो आयनाइजेशन एक प्रोसेस होता है। ठीक है, वो प्रोसेस कैसा होता है मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अगर एक एटम है, उस एटम को क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है दूसरे, मतलब उसको निकालना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को भागना है, सपोज कर लो, इतना अच्छे से मत समझो, एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक है, बोलना नहीं मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ, तो क्या होता है बेटा, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है।
ऐसे नहीं है कि आप घर से सामान उठाए और बाहर निकल गए, वैसे ही वैसा ही बात है। अगर आपको घर से बाहर निकाल दिया जाए तो बहुत एनर्जी चाहिए उसके लिए। आप क्या करोगे, मम्मी पापा के पैर पड़ जाओगे, भाई मत निकालो मुझे, रहने दो घर में। लेकिन क्या होगा, बहुत ही एनर्जी वाला कोई बंदा होगा वो, जो कहेगा कि नहीं ठीक है मैं अकेले रह सकता हूँ, मैं अपनी बदौलत जी सकता हूँ। ये करने के लिए बहुत ज़्यादा जिस तरह से एनर्जी चाहिए होती है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन को भी निकलने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया। अब देखते हैं व्हाट इज आयनाइजेशन। ठीक है, तो द एनर्जी, जहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट, मतलब निकल जाना, बाहर निकल जाना, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशली हाइड्रोजन का पूछा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का हर जगह मेंशन होता है। हाइड्रोजन और कार्बन तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, कार्बन केमिस्ट्री के और हाइड्रोजन फिजिक्स के। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ पर आपसे पूछा भी गया है, 2012 का क्वेश्चन है, व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर अ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, व्हाट इज इट्स वैल्यू, मतलब आयनाइजेशन की क्या वैल्यू है। ठीक है, आयनाइजेशन की क्या वैल्यू होती है हाइड्रोजन एटम में। फॉर अ हाइड्रोजन एटम इट इज 13.6 ईवी। क्या है बेटा, 13.6 ईवी का जो एक एटम को एनर्जी लगती है अपने इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में, मतलब बाहर निकालने में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं बेटा, व्हाई इज द क्लासिकल रदरफोर्ड मॉडल फॉर एन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस Not able to explain the atomic structure. एक बार फिर से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ना। What is the classical Rutherford model for an atom of electron orbiting around a nucleus not able to explain the atomic structure? समझ में आ गया क्वेश्चन। अब ये चीज़ें तो मैंने आपको एक्सप्लेन की, आप खुद से मुझे बता सकते हो, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। इवन आपको मैंने बताया है कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या कहा कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और ऑब्वियसली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट करते हैं एनर्जी को। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से एक स्पाइरल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, रिवॉल्यूशन तो ऐसे चलेगा नहीं कि आप अराउंड करते जाओगे लेकिन क्या होगा, राउंड राउंड चलता रहेगा और वो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो वो क्या करेगा, एक टाइम पे ऐसा होगा कि एनर्जी पूरे ख़त्म हो जाएगी और वो क्या करेगा, न्यूक्लियस एंड हो जाएगा, न्यूक्लियस एंड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ख़त्म, तो मतलब क्या होगा, एटम पूरा ख़त्म। तो वैसे तो पूरा एटम से ही सारे बस्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा बेटा, इसका जो एक्चुअल रीज़न था वो ये था, एज अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी कंटिन्यूअसली, ऑब्वियसली वो रिवॉल्व करता रहेगा तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन भी तो क्या है, ऐसा ही है, अगर उसकी एनर्जी यूज़ करते जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी। इट मस्ट स्पायरल इनवर्ड्स। अब क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके फिर से बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बोला, ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपको दिख रहा है जो, ठीक है, ये आपके ऑर्बिट्स हो गए। ठीक है, तो ये ऑर्बिट्स तो नहीं थे। अब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अगर हम देखें तो ये कह रहे थे कि ये हमारा न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन चार्ज है और यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स है, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहे हैं और ऐसे ऐसे, एक टाइम पर क्या होगा, ये न्यूक्लियस एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये स्पाइरल फॉर्म, ये होता है स्पाइरल फॉर्म, ये क्या कर रहा है, स्पाइरल फॉर्म बना रहा है। तो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, स्पाइरल फॉर्म बना रहा है, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस पे फॉल हो जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। तो यही वजह थी कि उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से नहीं बताया। और ये इसको बताया किसने, बोहर ने। बोहर ने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जिसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और वो क्या करता है, स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है, ओके, चलो दो मिनट फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करो सब। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता, स्टेशनरी ऑर्बिट वो था जहाँ पर, जिस ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम बनता है उसका जो वैल्यू होता है वो क्या था, एल इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, जिसमें आपका n था 1, 2, 3, कोई भी नंबर रख सकते हो। h क्या था बेटा, प्लैंक कांस्टेंट था। अब क्या था बेटा, 2 पाई उसके अंडर में था, वो आपको फॉर्मूला मिल जाता है, mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या था बेटा, इसमें जो स्टेशनरी ऑर्बिट था इसमें क्या हो रहा था, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर परमिसिबल ऑर्बिट में घूमेगा, परमिसिबल मतलब क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था,
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वही होता है परमिसेबल, ठीक है, मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर वो चल रहा है तो हाँ उसने परमिशन लेके रखी है मुझे इसी ऑर्बिट में घूमना है, तो अगर वो परमिसेबल ऑर्बिट में घूमेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा और वो नॉर्मली अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा घूमता रहेगा। इसको किस चीज़ से कंपेयर किया गया था, इसको किया गया था जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही न्यूक्लियस भी चक्कर लगाता है, ठीक है। वहाँ पर आपको एक फ्रीक्वेंसी भी मिला था, फ्रीक्वेंसी कंडीशन उसमें क्या था बेटा, अब क्योंकि मैं आपको बता दूँ जैसे कि ऐसा भी टाइम आता है जब इलेक्ट्रॉन्स के ऑब्वियसली एटम तो क्या करता है एनर्जी रेडिएट करता है, वो क्यों करता है, क्योंकि जब हायर स्टेशनरी ऑर्बिट से लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन कूद कर आ जाता है, उसका मन कर जाता है या उसको मूड भर जाता है, उसका बोलता है नहीं मुझे नहीं रहना है इतने लंबे से ऑर्बिट में, मुझे छोटे ऑर्बिट में जाना है, तो वो क्या करेगा जब कूद के आएगा तो बेटा हायर एनर्जी थी पहले वाले में क्योंकि वो बड़ा था, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जैसे कि ये सपोज कर लो ये आपका है E2, ये एनर्जी है बेटा E2, यहाँ पर आपको मिल जाता है E1, ठीक है। अब E2 माइनस E1 नहीं करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा लग रही थी तो आपके अंदर क्या था, पावर था, यहाँ पर आपकी एनर्जी कम लग रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पावर कम हो जाएगा, तो जो बची कुछ एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, एज अ वेस्ट हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम होगी उस एनर्जी का, क्या करोगे आप, तो आपको क्या करना है E2 माइनस E1 कर देना है, E2 माइनस E1 कर देना, ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा E, समझ में आया, तो ये आपका हो जाएगा बेटा, इसी वजह से वो फ्रीक्वेंसी कंडीशन था, ये फ्रीक्वेंसी कंडीशन था जहाँ पर रेडिएट होगी एनर्जी तो क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने फटाफट से रिवाइज कर ली, रदरफोर्ड डाल्टन का तो आपको बताना नहीं है, थॉमसन रदरफोर्ड और बोहर का, ठीक है, ये सारे पोस्टुलेट्स आपको पता चल गए, लिमिटेशंस पता चल गए, मतलब थ्योरीज पूरी कंप्लीट हो गई एटम की, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एटम चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल्स PYQs, ठीक है, तो रेडी रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि मैंने कोशिश किया है बहुत ही शॉर्ट में इस चैप्टर को ख़त्म करने की, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन भी करने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। कुछ अगर आपको कन्फ्यूज़न है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्थ पर फोकस करें क्योंकि आपको बोर्ड्स देने हैं आने वाले टाइम में, चलो बाय।